मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टीएमटी की एक बस में एक स्कूल की लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बस कंडक्टर पर आरोप लग रहा है कि कंडक्टर ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की है। ठाणे परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान स्कूल के टीचरों के साथ ठाणे परिवहन समिति में पहुंच गए और अधिकारियों से उस कंडक्टर को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। हालांकि सस्पेंड करने की मांग को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है। शमीम खान ने बताया है कि कलवा भास्कर नगर से टीएमटी की एक बस ठाणे के माहेगिरी में जाती है और इस बस में ज़्यादातर स्कूल के बच्चे होते हैं, जिसमें लड़कियां सबसे ज़्यादा होती हैं, और इसी बस में कंडक्टर ने एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी है। उस कंडक्टर को सस्पेंड किए जाने की शमीम खान मांग कर रहे थे और बस में लेडीज कंडक्टर रखा जाए, ऐसी मांग शमीम खान ने किया है। मगर शमीम खान ने बताया है कि इस मामले में अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, लेकिन वहीं परिवहन समिति ने उस कंडक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन शमीम खान का कहना है कि हमारी असली जीत तभी होगी जब उस कंडक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। शमीम खान ने क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी है आपको सुना। आज जो आपने हंगामे की बात किया है, हमारा ये कहना है कि अगर कोई दोषी पाया जाए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई टीएमटी का आदमी हो, तो उसके ऊपर ये क्या कि उसको हमने चेतावनी दे दिया, ऐसा है। एक बहुत ही दर्दनाक वाकया है। मैं उसको बातों को पूरा 100% तो आपके माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक बच्ची का मामला है। देखिए, कुछ दिनों के पहले हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी मांग के ऊपर, ये जो माहिगिरी में है, ये थाने माहिगिरी में है, ये यहाँ के लिए हमने मांग किया था कि सर वहाँ के लिए एक बस चलाई जाए। कलवा भास्कर नगर का वो इलाका जो है, बहुत ही गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, उसके लिए मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब ने भी मुझे आदेश दिया था कि वहाँ के लिए बस चलाई जाए, वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपनी बात सभागृह के अंदर रखी और मेरी बात को मंजूर कर दी गई। लेकिन उसमें जो लेडीज कंडक्टर होना चाहिए, अगर गर्ल्स बच्चियां आती हैं तो वहां पे कंडक्टर लेडीज होना चाहिए। वो कोई जेंट्स कंडक्टर था, वो हमारी एक बच्ची के साथ में थोड़ा सा वो गलत तरीके का व्यवहार कर रहा था बस के अंदर। तो मैंने ये बात को रखा कि सबसे पहले, बातें बहुत सारी है, मैं नहीं कह सकता आपके माध्यम से, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आज यहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, तो हमने हाउस में ही बात को रखी अभी अधिवेशन अपना इसके अंदर सभागृह के अंदर, कि उस कंडक्टर को हमारे व्यवस्थापक जी ने कहा कि उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने कहा नॉट ट्रांसफ़र, मुझे सस्पेंड चाहिए उसकी जांच के लिए। उसको तो पहली बात तो वहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड करने के लिए अभी एक जांच बैठी है, हमारे चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है, उसकी जाँच पूरी की जाएगी और इंशाल्लाह ताला उस आदमी का तो सस्पेंड होना तय है, जिससे आने वाले वक्त में कभी कोई और किसी बच्ची बहन के साथ ऐसी हरकत ना करे।